चार साल से ज्यादा वक्त पहले लापता हुई मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 से जुड़े हादसे के जांचकर्ताओं ने रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बोइंग 777 विमान के कंट्रोल से जानबूझकर छेड़छाड़ की गई थी और उसे तय रूट से अलग रूट पर ले जाया गया। हालांकि ये तय नहीं हो पाया है कि इस छेड़छाड़ के लिए कौन जिम्मेदार है। मलेशियाई और अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बोइंग 777 की दिशा क्यों बदली गई और वे तय रूट से हजारों मील दूर गलत रास्ते पर चल पड़ा। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी ने शायद MH370 का रूट बदलकर हिंद महासागर के ऊपर करने से पहले उसका ट्रांसपोंडर जानबूझकर बंद कर दिया था। MH370 से आखिरी बार संपर्क तब हुआ था जब विमान के कैप्टन जहारी अहमद शाह ने मलेशियाई एयर स्पेस को छोड़ने से पहले गुड नाइट मलेशियन 370 कहा था। आपको बता दें कि 8 मार्च 2014 को कुआलालंपुर से पेइचिंग जा रहा विमान लापता हो गया। विमान में 239 लोग सवार थे। ये दुनिया में एविएशन की अब तक की सबसे बड़ी अबूझ पहेली है।